Hello everyone, welcome to class number 76 of the chapter Programming Using C. तो लास्ट क्लास में हमने कॉल बाय वैल्यू एंड कॉल बाय रेफरेंस के बारे में पढ़ा था कि कॉल बाय वैल्यू क्या है, कॉल बाय रेफरेंस क्या है। तो आज हम प्रैक्टिस करेंगे एक प्रोग्राम कॉल बाय वैल्यू को यूज करके। तो आज का हमारा प्रोग्राम है फर्स्ट प्रोग्राम यूजिंग कॉल बाय वैल्यू, राइट ए प्रोग्राम इन सी टू स्वैप द वैल्यूज ऑफ टू वेरिएबल्स। तो हमें यहाँ पे एक सी प्रोग्राम लिखना है कॉल बाय वैल्यू मेथड को यूज करके, जहां पे हमें क्या करना है, दो वेरिएबल्स के वैल्यू को स्वैपिंग करना है। ओके, तो चलिए पहले इसको देखते हैं नॉर्मली कि कैसे ये हो सकता है, तो इसको करके देखते हैं। तो नॉर्मली जैसे कि कोई भी सी प्रोग्राम हम शुरू करते हैं डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन से, तो यहाँ पे हम डॉक्यूमेंटेशन जो भी प्रोवाइड करना चाहते हैं प्रोवाइड करेंगे। डॉक्यूमेंटेशन देने के बाद उसके बाद लेते हैं लिंक सेक्शन, जहां पे हम हेडर फाइल्स को लिंक करते हैं बाय यूजिंग हैश इंक्लूड प्री प्रोसेसर्स। हेडर फाइल को लिंक करने के बाद अगर हम वहां पे कोई यूजर डिफाइंड फंक्शंस यूज कर रहे हैं तो यूजर डिफाइंड फंक्शंस को डिक्लेयर करेंगे ग्लोबल डिक्लेरेशन सेक्शन में। तो हमें यहाँ पे स्वैपिंग करना है। ओके, तो स्वैपिंग करने के लिए हम यूज करेंगे यूजर डिफाइंड फंक्शंस, जबकि हमें यहाँ पे कॉल बाय वैल्यू मेथड को यूज करना है, तो यहाँ पे हमें आर्ग्यूमेंट लेना पड़ेगा void swap। हमें कितने वेरिएबल्स के वैल्यू को स्वैप करना है, दो, मतलब हमें दो वेरिएबल्स के वैल्यू एज ए इनपुट चाहिए। तो जो भी वैल्यू हमें जितना वैल्यू इनपुट चाहिए उतने वैल्यूज को हम क्या करते हैं एज ए आर्ग्यूमेंट पास करते हैं। ओके, तो मैंने यहाँ पे पास किया दो वैल्यू। तो जबकि हम यहाँ पे कॉल बाय वैल्यू कर रहे हैं, तो जबकि हमें यहाँ पे वैल्यूज को पास करना है, तो इसीलिए यहाँ पे मैंने वेरिएबल को नॉर्मली लिया जहां पे हम क्या करते हैं वैल्यूज को पास करते हैं। ओके, ये हो गया डिक्लेरेशन। डिक्लेरेशन होने के बाद फिर हम ओपन करेंगे मेन फंक्शन को। मेन फंक्शन को ओपन करने के बाद उसके अंदर हम डिक्लेयर करेंगे दो वेरिएबल, दो वेरिएबल्स को डिक्लेयर करने के बाद अभी यूजर से दोनों वेरिएबल्स के वैल्यू को एज ए इनपुट लेंगे। तो उसके लिए पहले यूजर को बताना पड़ेगा प्रिंटएफ एंटर द वैल्यू ऑफ ए। ओके, यूजर को पता चलेगा अभी उसको ए का वैल्यू इनपुट करना है, तब जाके वो इनपुट करेगा, और तब जो इनपुट करेगा उस इनपुट वैल्यू को रीड करने के लिए हम यूज करेंगे यहाँ पे क्या, हम यूज करेंगे यहाँ पे स्कैनएफ फंक्शन। ओके, तो जबकि हम इंटीजर वैल्यू ले रहे हैं तो यहाँ पे फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज करेंगे परसेंटेज डी। तो पहले हम एक्सेप्ट करेंगे ए का वैल्यू। ओके, सिमिलरली हम एक्सेप्ट करेंगे बी का वैल्यू। ए और बी का वैल्यू यूजर से इनपुट लेने के बाद अभी हम क्या करेंगे, ए और बी के वैल्यू को, ए और बी वेरिएबल के वैल्यू को हम पास करेंगे उस पर्टिकुलर यूजर डिफाइंड फंक्शन के पास। ओके, तो यहाँ पे हम यूज क्या कर रहे हैं, जबकि हमें यहाँ पे वैल्यू पास करना है तो हम यहाँ पे क्या यूज कर रहे हैं, यहाँ पे हम यूज कर रहे हैं कॉल बाय वैल्यू मेथड को। ओके, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, ए और बी का वैल्यू पास करेंगे, ए और बी का वैल्यू पास करेंगे किसके पास, यूजर डिफाइंड फंक्शन के पास, जिस यूजर डिफाइंड फंक्शन को हमने यहाँ पे डिक्लेयर किया है। ओके, तो स्वैप यूजर डिफाइंड फंक्शन के पास हमने यहाँ पे दो वेरिएबल्स के वैल्यू को पास किया। ओके, उसके बाद इसका काम खत्म, मेन फंक्शन का, मेन फंक्शन को हमने यहाँ पे क्लोज कर लिया। उसके बाद हम आएंगे यूजर डिफाइंड फंक्शन के पास, स्वैप void swap int a int b। ओके, तो यहाँ पे जबकि हमने a का वैल्यू पास किया है तो a का वैल्यू आएगा यहाँ पे स्टोर होगा a में, b का वैल्यू जबकि पास किया है तो b का वैल्यू आके स्टोर होगा b में। ओके, तो a का वैल्यू हो गया कितना, जो भी यूजर इनपुट किया होगा, और b का वैल्यू जो यूजर इनपुट किया होगा। a और b का वैल्यू यहाँ पे आ जाने के बाद यहाँ पे हम क्या करेंगे, अभी स्वैपिंग ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। तो स्वैपिंग नॉर्मली हम कैसे करते हैं, a इक्वल्स टू a प्लस b। ओके, उसके बाद b इक्वल्स टू a माइनस b, a इक्वल्स टू a माइनस b। ओके, जैसे कि हमने इसको प्रैक्टिकली करके देखा था लास्ट कुछ क्लासेस में, तो यहाँ पे देख लेते हैं। सपोज a का वैल्यू है कितना, सपोज a का वैल्यू हम यहाँ पे लेते हैं 10, b का वैल्यू लेते हैं 5। ओके, तो फर्स्ट मैंने क्या किया, a प्लस b, तो a और उसको स्टोर कर लिया a में, तो a का वैल्यू अभी कितना हो गया 15। अभी b इक्वल्स टू a माइनस b मैंने किया, तो a का वैल्यू अभी कितना है 15, माइनस b का वैल्यू कितना है 5, 15 माइनस 5 कितना 10, तो 10 आके स्टोर हो गया किस में, b में, तो b का वैल्यू हो गया 10, और 10 a का वैल्यू था, 10 किसका वैल्यू था, a का वैल्यू था, मतलब a का वैल्यू आके स्टोर हो गया b में। ओके, फिर मैंने यहाँ पे क्या किया, a इक्वल्स टू a माइनस b, a का वैल्यू कितना है अभी 15,
बी का वैल्यू कितना आ चुका है 10, तो 15 माइनस 10 कितना आएगा 5, और ये 5 वैल्यू जाके स्टोर होगा किसमें, ए में। ए का वैल्यू अभी कितना हो गया 5, और ये 5 वैल्यू किसका था बी का, मतलब बी का वैल्यू जो 5 था वो ए का हो गया, और ए का वैल्यू जो 10 था वो बी का हो गया। हो गया स्वैपिंग, स्वैपिंग का काम खत्म जो कि हमने यहाँ पे किया। तो स्वैपिंग होने के बाद अभी हम क्या करेंगे, उसको प्रिंट करेंगे, प्रिंट, प्रिंट एफ फंक्शन यूज करके प्रिंट करेंगे किसका वैल्यू, ए का वैल्यू, बी का वैल्यू। आफ्टर स्वैपिंग द वैल्यू ऑफ ए इक्वल्स टू दिस एंड द वैल्यू ऑफ बी इक्वल्स टू दिस, प्रिंट करेगा, काम खत्म। तो यहाँ पे हमने यहाँ पे यूज किया क्या, कॉल बाय वैल्यू, और कॉल बाय वैल्यू यूज करके कॉलिंग फंक्शन से कॉल्ड फंक्शन के पास हमने दो वेरिएबल्स के वैल्यू को पास किया, जिन दो वेरिएबल्स को वैल्यू को यूज करके हमने यहाँ पे क्या किया, स्वैपिंग ऑपरेशन परफॉर्म किया। तो चलिए अभी इसको प्रैक्टिकली करके देखते हैं और ज्यादा आसान तरीके से समझने के लिए, तो चलिए करके देखते हैं। जैसे हम कोई भी सी प्रोग्राम शुरू करते हैं डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन से, तो यहाँ पे भी हम शुरू करेंगे डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन से। तो कॉल बाय वैल्यू का एग्जांपल जब की कर रहे हैं तो यहाँ पे लिख देते हैं कॉल बाय वैल्यू एग्जांपल। ओके, हो गया डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन का काम। उसके बाद हम लिंक करते हैं बाय यूजिंग हैज इंक्लूड प्री प्रोसेसर, किसको, हेडर फाइल्स को। तो फर्स्ट मैंने लिंक किया एचटीडीआईओ हेडर फाइल को, फिर मैं यहाँ पे लिंक करूंगा कोनियो हेडर फाइल को। दोनों हेडर फाइल्स को लिंक करने के बाद अभी हम क्या करेंगे, अभी हमें जो यूजर डिफाइंड फंक्शन चाहिए, यूजर डिफाइंड फंक्शन को डिक्लेयर करेंगे। ओके, तो जबकि मुझे स्वैपिंग करना है तो मैंने यहाँ पे लिया स्वैप यूजर डिफाइंड फंक्शन, और जबकि हम कॉल बाय वैल्यू यहाँ पे यूज कर रहे हैं कॉल बाय वैल्यू मेथड को, तो यहाँ पे कोई ना कोई आर्ग्यूमेंट हमें चाहिए। तो स्वैपिंग करने के लिए हमें यहाँ पे दो वेरिएबल के वैल्यू को स्वैपिंग करना है, तो एटलीस्ट हमें यहाँ पे दो वेरिएबल एज ए इनपुट चाहिए। तो यहाँ पे हम लेंगे दो वेरिएबल इंट ए इंट बी। ओके, हो गया डिक्लेरेशन। अभी हम यूज करेंगे मेन फंक्शन, मेन फंक्शन को ओपन करेंगे, उसके अंदर हम क्या करेंगे दो वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे इंट ए बी। उसके बाद यूज करेंगे सीएलआर एससीआर फंक्शन, उसके बाद क्या करेंगे यूजर से ए और बी का वैल्यू एज ए इनपुट लेंगे। पहले यूजर को बताएंगे ए का वैल्यू इनपुट करो, एंटर द वैल्यू ऑफ ए, तो यूजर जो ए का वैल्यू इनपुट करेगा वो जाके स्टोर होगा कहां पे, ए वेरिएबल के एड्रेस में, मेमोरी लोकेशन में। सिमिलरली बी वेरिएबल का वैल्यू भी हम यूजर से एक्सेप्ट करेंगे, और जो वैल्यू यूजर इनपुट करेगा वो जाके स्टोर होगा कहां पे, बी वेरिएबल के एड्रेस में। ओके, हो गया यहां पे ए और बी वेरिएबल का वैल्यू हमने यूजर से एज ए इनपुट ले लिया। अभी हम क्या करेंगे ए और बी वेरिएबल के वैल्यू को जबकि हमें पास करना है, तो इसीलिए हम यहाँ पे यूज करेंगे कॉल बाय वैल्यू मेथड को। तो कॉल बाय वैल्यू मेथड में हम क्या करते हैं, वेरिएबल्स के वैल्यू को एज ए आर्ग्यूमेंट हम पास करते हैं उस पर्टिकुलर यूजर डिफाइंड फंक्शन के पास। उसके बाद यूज करेंगे गेट सी एच फंक्शन। ओके, मेन फंक्शन का काम खत्म, मेन फंक्शन क्लोज। तो हमने जिस फंक्शन को कॉल किया है अभी उस फंक्शन को डिफाइन करेंगे, ओके, तो अभी डिफाइन करेंगे उस पर्टिकुलर फंक्शन को। ए और बी का वैल्यू हमें मेन फंक्शन से मिल चुका है जब हमने फंक्शन को कॉल किया। अभी क्या करेंगे ए और बी के वैल्यू को लेके स्वैपिंग करेंगे, ए इक्वल्स टू ए प्लस बी, बी इक्वल्स टू ए माइनस बी, ए इक्वल्स टू ए माइनस बी। ओके, हो गया स्वैपिंग। तो स्वैपिंग होने के बाद अभी हम क्या करेंगे ए और बी के वैल्यू को प्रिंट करेंगे, प्रिंट एफ। तो उसके लिए यूज करेंगे प्रिंट एफ, यहां पे लिखेंगे आफ्टर स्वैपिंग द वैल्यू ऑफ ए इक्वल्स टू परसेंटेज डी एंड वैल्यू ऑफ बी इक्वल्स टू परसेंटेज डी। ओके, और फर्स्ट परसेंटेज डी की जगह पे हम प्रिंट करेंगे ए का वैल्यू, सेकेंड परसेंटेज डी की जगह पे हम प्रिंट करेंगे बी का वैल्यू। ओके, तो ये तो हो गया आफ्टर स्वैपिंग। यहाँ पे हम और एक स्टेटमेंट ऐड कर सकते हैं हमारे आउटपुट को और ज्यादा बेटर
वे में रिप्रेजेंट करने के लिए यहां पे हम लिख सकते हैं प्रिंट एफ बिफोर स्वैपिंग द वैल्यू ऑफ ए इक्वल्स टू परसेंटेज डी एंड वैल्यू ऑफ बी इक्वल्स टू परसेंटेज डी. सो फर्स्ट परसेंटेज डी में रिप्रेजेंट करेगा ए का वैल्यू, सेकेंड परसेंटेज डी में रिप्रेजेंट करेगा बी का वैल्यू. ओके, उसके बाद हमने स्वैपिंग का ऑपरेशन परफॉर्म किया. स्वैपिंग का ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद फिर हमने प्रिंट किया आफ्टर स्वैपिंग द वैल्यू ऑफ ए इक्वल्स टू दिस बी इक्वल्स टू दिस. ओके, प्रिंट करने के बाद उसके बाद काम खत्म इसका, उसको क्लोज कर देंगे. तो अभी इसको हम कंपाइल करके एग्जीक्यूट करके देखते हैं कि प्रॉपरली काम कर रहा है कि नहीं. तो पहले इसको सेव कर लेते हैं. ओके, अभी इसको कंपाइल करके देखते हैं, कोई भी एरर नहीं है, सही है सब. अभी इसको रन करके देखते हैं क्या मांग रहा है. एंटर द वैल्यू ऑफ ए, ए का वैल्यू सपोज मैंने लिया 10, बी का वैल्यू सपोज मैंने लिया 5, तो क्या दिखा रहा है. बिफोर स्वैपिंग द वैल्यू ऑफ ए इक्वल्स टू 10 एंड द वैल्यू ऑफ बी इक्वल्स टू 5. फिर आफ्टर स्वैपिंग दिखा रहा है वही सेम लाइन में. तो लाइन ब्रेक करके नेक्स्ट नेक्स्ट नीचे लाइन में अगर दिखाना चाहते हैं तो वहां पे हमें यूज करना पड़ेगा लाइन ब्रेक को, मतलब बैकस्लैश एन कैरेक्टर कॉन्स्टेंट को यूज करना पड़ेगा. तो यहाँ पे यूज करते हैं. ओके, तो अगर हम नेक्स्ट नेक्स्ट लाइन में दिखाना चाहते हैं तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, न्यू लाइन यूज करना पड़ेगा बैकस्लैश एन कैरेक्टर कांस्टेंट को. तो मैंने यहाँ पे यूज किया बैकस्लैश एन कैरेक्टर कांस्टेंट को. अभी इसको फिर से रन करके देखते हैं. ए का वैल्यू देते हैं 10, बी का वैल्यू देते हैं 5. बिफोर स्वैपिंग द वैल्यू ऑफ ए इक्वल्स टू 10 एंड द वैल्यू ऑफ बी इक्वल्स टू 5, देन आफ्टर स्वैपिंग द वैल्यू ऑफ ए इक्वल्स टू 5 एंड द वैल्यू ऑफ बी इक्वल्स टू 10. ओके, हमें वही करना था. कॉल बाय वैल्यू यूज करके हमें दो वेरिएबल्स के वैल्यू को स्वैपिंग करना था, जो कि अभी हमने प्रैक्टिकली करके देखा. तो आई थिंक आप लोगों को समझ आ गया कि हम कैसे दो वेरिएबल के वैल्यूज को स्वैपिंग कर सकते हैं कॉल बाय वैल्यू मेथड यूज करके, जिसको आज हमने अभी प्रैक्टिकली करके देखा. ओके, तो आज हमने प्रैक्टिस किया कॉल बाय वैल्यू का एक एग्जाम्पल. तो आज हमने एक एग्जाम्पल प्रैक्टिस किया, प्रैक्टिकली करके देखा. तो वैसे ही आपको और कुछ टास्क दिया गया है जहां पे आपको कॉल बाय वैल्यू मेथड को यूज करके ये सारे टास्क कंप्लीट करने हैं, ये सारे टास्क आपको खुद से प्रैक्टिस करने हैं ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके, आपका प्रैक्टिस ज्यादा बेटर हो सके और आपको प्रॉपर नॉलेज मिल सके. ओके, तो ये सारे टास्क आपको खुद से करने हैं और खुद से करके देखने हैं कि ये सारे टास्क आपसे प्रॉपरली हो पा रहा है कि नहीं. ओके, तो आज के लिए इतना ही. नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे ऐसे और कुछ टॉपिक्स के बारे में. थैंक यू.